मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा यूरोप के एक छोटे से जजीरा नमा मुल्क माल्टा की, और आज मैं आप लोगों को इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प और नया बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मालूमती वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। दोस्तों 5000 साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 316 मरबा किलोमीटर है, और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 187वें नंबर पर आता है। अगर हम बात करें यूरोपीय ममालक की तो यूरोपीय ममालक में ये मुल्क रकबे के लिहाज से 45वें नंबर पर आता है। सियाहों के लिए पुरकशिश मुकाम रखने वाला ये मुल्क बुहेरा रूम में इटली और लेबिया के दरमियान तीन खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है। माल्टा का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले पहले 10 मुल्कों में से 8वें नंबर पर होता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 40,07,000 थी, और आबादी के लिहाज से यह मुल्क दुनिया भर में 175वें नंबर पर शुमार होता था। इस छोटे से मुल्क पर बेशुमार हुकूमतों ने अपने झंडे गाड़े। अगर हम माल्टा की तारीख की बात करें तो माल्टा पर 5वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक बाजंतीनी सल्तनत ने हुक्मरानी की, लेकिन बाद अजां अरब मुसलमानों के कब्जे में चला गया। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान इस्लाम ने इस खित्ते पर गलबा पाया, लेकिन यह गलबा उस वक्त ख़त्म हुआ जब मुसलमानों ने 10वीं सदी के इख्तिताम पर इस इलाके को आज़ाद करते हुए वापस अरब की राह ली। इसके साथ ही एक बार फिर ईसाइत ने अपना रंग दिखाया, और तकरीबन आने वाली दो सदियों के दौरान मुसलमानों का वजूद इस खित्ते से ख़त्म हो गया। कुछ अरसा स्पेन ने इस जजीरे को अपनी मलकियत करार दिया, लेकिन 1798 में निपोलियन ने इस पर कब्जा कर लिया। अभी 15 साल नहीं हुए थे कि इनकी हुकूमत को बरतानिया ने 1814 ईस्वी में ख़त्म करते हुए इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया, लेकिन 1956 में हुकूमत बरतानिया ने इस इलाके से अपनी नज़रें हटाते हुए उन्हें मुकम्मल आज़ादी न दी। मुसलसल 8 साल की जदोजहद के बाद 21 सितंबर 1964 को इस कौम ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की, और 13 दिसंबर 1974 को होने वाले इंतखाबात के बाद ये मुल्क दुनिया भर में रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से जाना जाने लगा। आज़ादी से पहले इस मुल्क का मुकम्मल दारोमदार काटन और मनशियात की दीगर मुल्कों पर फरोख्त से था, लेकिन मौजूदा माल्टा अपनी मुल्की आमदनी का ज़्यादातर इन्हिसार लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर पर करता है। इसके साथ साथ सियाहत और दीगर मुल्कों को अपनी बंदरगाहों से तजारत करने की मद में इनसे टैक्स वसूल करता है। ये हुकूमत फिल्म प्रोडक्शन के लिए मौजू मुकामात को किराए पर हॉलीवुड को देती है। माल्टा में बनने वाली पहली गैर मुल्की फिल्म सन्स ऑफ द सी थी। माल्टा यूरोप का वाहद मुल्क है जहां पर सामी जुबान बोली जाती है। सामी जुबान अरबी जुबान की तरह की होती है, और ये अरबी, अबरानी, अबहारक और दीगर जुबानों के मजमुए से वजूद में आती है। अरब मुसलमानों की 200 साल हुकूमत ने इस मुल्क पर अपना गहरा रंग छोड़ा है। आज भी माल्टा में लमदीना, जजीरा, गैन तैबा, गैन अलकबीरा जैसे नाम आज भी पाए जाते हैं। माल्टा की कौमी जुबान माल्टाई है। इस जुबान में अरबी जुबान की तरह अलफ लाम नहीं बोला जाता, बल्कि सिर्फ लाम बोला जाता है। माल्टाई के बाद सबसे ज्यादा तादाद में बोली जाने वाली जुबान अंग्रेजी है। अंग्रेजी को भी माल्टा की कौमी जुबान होने का एजाज हासिल है। माल्टा का दारुल हुकूमत वालिटा है। इस शहर का कुल रकबा 0.8 मरबा किलोमीटर है, और इस वक्त इस शहर में अंदाजन 7000 अफराद रहाइश पजीर हैं। माल्टा के बारे में अगर कुछ दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो माल्टा एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मैनी शहद के हैं। माल्टा ने अभी तक कोई भी नोबल प्राइज अपने नाम नहीं किया है। 2016 में माल्टा में 20 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने सफर किया था। दोस्तों माल्टा अपने मुनफरिद और मजेदार खानों के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है। माल्टा तीन बड़े जजीरों गोजो, माल्टा और कोमिनो पर मुश्तमिल है। माल्टा 1 मई 2004 को
यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बना था। माल्टा के बारे में आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली PIA एयरलाइन थी। माल्टा में चंद दूसरे मुल्कों की तरह आवाम पर प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक लागू नहीं किया गया है। माल्टा में कोई भी दरिया और जंगल नहीं है। माल्टा में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कायम है जो माल्टा हुकूमत की तरफ से है। इसके अलावा दो मजीद यूरोपीय ममालक की यूनिवर्सिटियों के कैंपस कायम हो चुके हैं। माल्टा में कुल 365 चर्च हैं और माल्टा में सिर्फ एक ही मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद मरियम अल बतूल है। माल्टा में एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 3000 के लगभग मुसलमानों की तादाद है, जिनमें ज्यादातर तादाद गैर मुल्कियों की है। माल्टा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। दोस्तों, माल्टा के अगर मजहब की बात की जाए तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की 90% आबादी मसीहत से ताल्लुक रखती है, 2% मुसलमान है, जबकि बाकी 8% दीगर मजहब के मानने वाले हैं। फुटबॉल माल्टा में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है और फुटबॉल ही माल्टा की कौमी खेल का दर्जा रखती है। फुटबॉल के अलावा इस मुल्क में वाटर पोलो, रग्बी, मोटर रेस और बॉक्सिंग शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। माल्टा की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इनका एक यूरो पाकिस्तानी 124.76 रुपयों के बराबर है। 1 जनवरी 2008 से पहले माल्टा में माल्टीज लेरा करेंसी इस्तेमाल हुआ करती थी। माल्टा में हर साल 14 सरकारी छुट्टियां होती हैं, जो कि बाकी यूरोपीय ममालक में सबसे ज्यादा हैं। माल्टा का कॉलिंग कोड +356 है। माल्टा में ड्राइविंग दुनिया में चंद एक ममालक की तरह लेफ्ट हैंड साइड से की जाती है। माल्टा में काफी जगहों पर माल्टा कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानब से फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं, जो कि सियाहों के साथ साथ कौमी अफराद के लिए भी बिल्कुल फ्री हैं। माल्टा में इस वक्त 3 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनके नाम वोडाफोन, गो और मेलिटा के हैं। माल्टा में सर्दियों का औसतन दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों का औसतन दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, ये थी माल्टा के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में खातर खा इजाफा करेगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।